Hey guys, welcome to another vlog and today I'm going to do a day in my life video. You guys have requested to see more vlogs. Now, aaj maine bahut special nahi plan kiya but I have to do a lot of work. So, I have to film, I have to edit a video and then I'm also gonna try this special thing in this video. Also, today is very exciting because today is 1st June and aaj release hoga BTS ka meal with McDonald's. If you guys follow BTS, you will already know this. So, mere saath itni tragedy ho gayi. आज मैं सुबह 8:30 बजे उठी थी बिकॉज आई वॉज लाइक आई एम गोना गेट द मील ASAP क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना दे गेट सोल्ड आउट एंड स्टफ. सो उसके बाद मेरे पास मील आ गया एंड एवरीथिंग एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि ओ माई गॉड फाइनली माई मील इज हियर एंड ऑल ऑफ दैट. बट ना मुझे पहले से ही पता था कि मैकडोनल्ड्स काफी इश्यूज कर रहा है पैकेजिंग के साथ. सो द एंटायर एक्साइटमेंट अबाउट द मील इज द पैकेजिंग. उसका जो एक ओवरऑल पर्पल सुंदर BTS पैकेजिंग है वही मेन स्टार है. सो आई वॉज लाइक प्लीज भगवान मुझे दे देना ये पैकेजिंग. सो मेरे पास वो आया एंड ओ गॉड. सो मेरा जो ड्रिंक था उसका पैकेजिंग नॉर्मल था, ठीक है. एंड वहीं पे मेरा मूड इतना डिफ्लेट हो गया. आई वॉज लाइक चलो कोई बात नहीं. उसके बाद जो मेरा नगेट्स का बॉक्स था ना, इट वॉज टोटली स्क्विश्ड एंड इट हैड स्टेन्स एंड एवरीथिंग एंड ओ गॉड मेरा इतना मूड ऑफ हो गया. उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसका जो मेन पैकेजिंग है जिसके अंदर वो आया था लाइक द ब्राउन बैग, तो उसमें भी BTS का लेबल किया हुआ है एंड आई वॉन्टेड टू कीप एवरीथिंग ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू अ टेस्ट टेस्ट विद यू गाइज. एंड माई मॉम थॉट इट्स ट्रैश एंड शी थ्रू इट इन द डस्टबिन. ओ गॉड. उसके बाद मेरा मूड इतना खराब हो गया. मैंने कहा मम्मा आपने वही फेंक दिया. मैं इतना अपसेट हो गई एंड फिर मैं सोने चली गई. एंड नाउ व्हेन आई वोक अप अगेन माय मॉम इज लाइक आई एम गोना ऑर्डर एवरीथिंग फॉर यू अगेन. इट्स लाइक वन मील ओनली एंड आफ्टर आई हैव माय कॉफी एंड एवरीथिंग एंड एक बार वो डिलीवर हो जाएगा ना देन आई एम गोना डू अ टेस्ट टेस्ट हियर विद यू गाइस. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. ओके यू गाइस, सो माय मैकडॉनल्ड्स इज हियर एंड यस आई सैनिटाइज दिस एंड बिकॉज वी आर गोना टेस्ट द BTS मील इट इज इंपेरेटिव कि मैं अपना आर्मी किट भी निकाल लूँ. सो दिस इज माई आर्मी किट. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी वेयर यू कैन गेट दिस फ्रॉम. सो यू कैन गेट इट फ्रॉम वीवर्स बट ये 2019 का आर्मी किट है. सो द मील इज फॉर 300 रुपीज. सो दिस इज द मेन आउटर पैकेजिंग. सो इसमें मैकडॉनल्ड्स BTS लिखा हुआ है द BTS मील एंड इसके पीछे मैकडॉनल्ड्स एंड BTS का लोगो है. रियली हैप्पी दैट दे इंक्लूडेड दिस पर्पल थिंग एंड देन इसमें यू गेट द मीडियम फ्राइज. सो ये नॉर्मल पैकेजिंग में है विच वॉज अ लिटल ऑड टू मी. आई वॉज लाइक कि अगर आप ड्रिंक एंड नगेट्स का पैकेजिंग कर ही रहे हो तो इसको क्यों छोड़ दिया बिकॉज इट जस्ट लुक्स ऑड. सो आई विश इसका भी पैकेजिंग वो पर्पल वाला होता दैट आई शो यू गाइज. सो दिस इज अ 10-पीस चिकन नगेट बॉक्स एंड यहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स एंड BTS का लोगो है एंड इट सेज द BTS मील. ओके एंड देन यू गेट two sauces. So first one is the sweet chili sauce and then you also get this Cajun sauce. Maine na kabhi Cajun try nahi kiya. And the last thing you have in the meal is this drink. So this also has the packaging and I really like iska jo ye cup wala hai na, I think I'm gonna keep it as souvenir. Okay, so this is the sweet chili sauce. I hope ki aap logo ko dikh raha hoga. So it's just like normal sweet chili sauce and then this is the Cajun sauce. Main girana nahi chahti बट दिख रहा होगा आपको. ये रहे हमारे 10-पीस चिकन नगेट्स. आई एम गोना ट्राई द स्वीट चिली वन फर्स्ट. ओके और टाइम फॉर सम केजन सॉस. इसमें चीज है क्या? ओ गॉड आई थिंक इसमें चीज है. I definitely like the Cajun sauce better because it has a kick and it's like more spicy and mujhe spicy zyada pasand hai than sweet. Ye kya diluted Pepsi hoti hai? Oh, this doesn't taste good. Okay, so I'm gonna be honest, the chicken nuggets are really bad. मतलब दीज आर नॉट गुड क्वालिटी चिकन नगेट्स बट इट्स लाइक मैकडॉनल्ड्स ऐसा ही टाइप का खाना बनाता है. इट्स लाइक फास्ट फूड एंड इट्स नॉट द बेस्ट. द सॉसेज आर प्रेटी गुड एक्चुअली एंड मैंने पहले कभी भी दोनों सॉसेज ट्राई नहीं किए और मुझे केजन सॉस काफ़ी अच्छा लगा. फ्राइज तो पता ही है सबको कैसे होते हैं एंड ये जो पेप्सी है दिस इज डाइल्यूटेड. आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ दैट.
and before anyone takes it to their heart, this is not a dig at BTS. And I am not a McDonald's fan, I am a BTS fan, and the only reason I got this is because of BTS and obviously because of the very very pretty packaging. So the packaging is a 10 on 10, and I do wish ki future mein wo koi ek acche food chain ke saath collaborate kare, because they are like big foodies and they eat a lot of like tasty food. So I would like to see them you know, collab with a better brand that makes better food. And yeah, let me know if you guys have tried this and if you guys liked it. Ab mujhe jana hai, fatafat taiyar hona hai. So I made another coffee after taking my shower because I felt so tired. मुझे ऐसे नहाते हुए नींद आ रही थी. So I decided to make myself another coffee. I wanted to wash my hair but मेरे पास time नहीं था. So I'm gonna do that later. But right now I'm gonna do my skin care. I'm gonna use this vitamin C serum by Wow Skin Science. So this has 20% vitamin C. It has witch hazel and also hyaluronic acid. So I've already spoken about this multiple times on my channel and इसको मैं पिछले 1 month से use कर रही हूँ. And I really have been enjoying this. And what vitamin C does is basically, अगर आपको pigmentation है या फिर अगर आपको acne scarring है, जैसे मुझे इतनी stubborn scarring है, it will just work on those dark blemishes and also your pigmented skin. And basically, आपकी skin को restore करने में help करता है. This has 20%, so this is potent. So before you use this, make sure that you do a patch test on your skin. Now this worked really well for me, you guys. Like this has such a nice lightweight formula. What I like about this immediately gets absorbed into my skin. I don't have to wait for a long period of time ki, you know, it will get absorbed slowly. And this is not sticky at all and it just sits very beautifully on my skin. You guys know that I've been using a lot of actives on my skin, so I really like to use this along with alpha arbutin. Vitamin C acts like a booster for alpha arbutin, and na vitamin C and alpha arbutin saath mein bahut acha work karte hain. On most days during the daytime I just go in with the vitamin C serum. But at night I like to mix this with alpha arbutin. Vitamin C also makes your skin very radiant and isme hyaluronic acid hai, to ye aapke skin ko hydrate bhi karega. Now Wow Skin Science has the whole vitamin C range and they also have this face wash. This is a vitamin C face wash. This comes with the silicone brush. And I really like this, you know, my nose pe especially mujhe bahut acha lagta hai. This vitamin C foaming face wash is gentle and it's a good everyday type of face wash. And also they have this vitamin C clay mask. This is what it looks like. So I've used it a couple of times and it is also very gentle. It doesn't strip my skin off of all the oils or something. But yeah, these are all the products from the vitamin C skincare range from Wow Skin Science. And I really have been enjoying the serum especially. One thing I want to tell you guys is always apply sunscreen after you use vitamin C on your skin. It's very very important. All of these products are manufactured in India and they are free from parabens, sulfates, silicones and mineral oils. All Wow products come with this QR code right here and you can scan this to check the authenticity of the product. If you guys are interested to buy this, I will leave a link in the description box below for you guys. You can use my code on buywow.in and mera code wahi pe chalega. It is not a commission code, it's only a discount code for you guys. They also have an app now and you can go check that out as well. They have a lot of special offers. It is super easy to navigate, so I will leave a link to that also in case you want to check it out. Oh my god, you guys, I just got done filming and it is so late. It is 8:46 now and mujhe bahut bhook lag rahi hai. I'm not actually happy with the video. I think I'm gonna refilm it. And मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, तो शी पोस्टेड दिस रेसिपी ऑफ चिली गार्लिक नूडल्स एंड मैंने जब से ये देखा है आई बिन क्रेविंग इट, सो आई थॉट कि आई मेक इट. मैंने ऑलरेडी नूडल्स मंगवा लिए हैं एंड या इट्स अ सुपर इजी रेसिपी. मेरे पास शायद एक दो चीज़ें ना हो बट बाकी मेरे पास सब कुछ है, सो आई एम गोना गिव इट अ गो. वी आर गोना मेक सुपर ईजी चिली गार्लिक नूडल्स एंड इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ओके, सो आई जस्ट चॉप द अनियंस एंड द गार्लिक एंड आई हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे, सो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ एंड देन आई विल शो
यू गाइस कि ये कैसे बनाना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर दिस नूडल्स. तो मैंने ये ना अमेजोन से ऑर्डर किया है एंड दीज आर राइस नूडल्स. इन द रेसिपी शी यूज स्प्रिंग अनियंस बट आई डोंट हैव स्प्रिंग अनियंस. ऑल्सो आई डोंट लाइक स्प्रिंग अनियंस. सो मैंने दूसरी रेसिपीज चेक की एंड यू कैन यूज नॉर्मल अनियन ऑल्सो. तो मैंने उनको छोटे छोटे ऐसे काट दिया है एंड देन वी हैव गार्लिक. सो दिस इज द गार्लिक दैट वी आर गोना ऐड टू द सॉस एंड ये थोड़े बिग शेप के गार्लिक है एंड इसको मैं फ्राई करूंगी. ये हमारा गार्निशिंग के लिए यूज होगा. नाउ फॉर स्पाइसेस यू नीड सोया सॉस एंड ये जस्ट टॉप्स का सोया सॉस है. वी नीड अ लॉट ऑफ इट सो आई एम ग्लैड वी हैव दैट. देन यू नीड रेड चिली फ्लेक्स. नाउ आई डोंट हैव नॉर्मल रेड चिली फ्लेक्स बट आई हैव दिस. दिस इज लाइक द कोरियन वर्जन एंड दिस इज वेरी स्पाइसी. तो आई विल जस्ट यूज अ लिटल बिट ऑफ दिस. Then I also have these garlic granules. I'm just gonna use this to add more garlic flavor. Then she used pink salt, so I'm also gonna use my Himalayan salt. First things first, what I'm gonna do is I'm gonna boil the noodles and then we are gonna prepare the sauce. I clearly should have used a different utensil, but we are gonna roll with this. And I don't know if this is like adequate quantity also. Okay, so मैं इस कढ़ाई में सब कुछ मिक्स करूंगी. So we are gonna mix this. I'm gonna add the garlic. And then soy sauce, which is the most important. And I think my noodles are done. That looks pretty. Okay, now I'm gonna heat this choti wali kadai. And isme mujhe vegetable oil heat karna hai. And the exact measurements nahi hai. And then I just have to toss in the noodles. My noodles are boiled. What I'm really scared कि ये कैसा taste कर रहा है. Maybe I should have a bite. What if like it tastes really bad or something? It's just salty. It doesn't taste like chili garlic noodles. I think I'm gonna cry. I'm definitely gonna cry now. मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ. It doesn't taste good at all. क्या बोलिस ना? खेतो देखो बिशोनी बाजे खेते. It's just salty. It just tastes like namak. Let me taste. वो थोड़ा burnt burnt सा. हाँ वही मुझे नहीं पता कैसे क्योंकि मैंने exactly recipe follow की है. I don't know. I'm so upset, you guys. मैं ये एक घंटे से बना रही हूँ and I was hungry. अब मेरी भूख मर गई है. मुझे रोना आ रहा है. No worries, no worries. Bread खा लेंगे अभी. You guys remember this rack? So I don't really use it anymore because my clothes were getting really dusty and I just use it to store all my PR packages and the stuff that I have to try. So I'm gonna show you guys some PR. Off late मैंने videos के लिए बहुत shopping की है and there are some exciting videos coming this month. So yeah, there's so many boxes and yeah, I have to sort that. पर मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है कुछ भी रखने की. I want those huge bins, जो transparent bins नहीं होते जिसमें हम store कर सकते हैं. मैं बहुत devastated feel कर रही हूँ because मैंने इतनी मेहनत से इतनी देर लगा के बनाया. ओके आई थिंक ग्लेयर आ रहा है बट इट डिड नॉट टर्न आउट नाइस एंड आई डोंट नो इट वाज जस्ट सो सॉल्टी. ऑल्दो मैंने सॉल्ट कम डाला था एंड आई थिंक सोया सॉस में ही बहुत ज़्यादा सॉल्ट था. बट द रेसिपी सेट हाफ अ कप ऑफ सोया सॉस सो दैट्स व्हाट आई डिड. लाइक मैंने हाफ कप के अराउंड ही डाला था. जस्ट टेस्टेड सॉल्टी. इट हैड नो फ्लेवर ऑफ गार्लिक और चिली. It was just salty. It tasted just like salty noodles. And yeah, I'm just so devastated. I'm मेरी भूख बिल्कुल मर गई है. I don't feel like eating anything. अभी मैंने रख दिया noodles को. I'm gonna speak to my sister and I'm gonna ask her कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ. I'm sure there will be a way to fix this. Anyway, I got PR and I want to end this video on a better note because that was a disaster.
Okay, so the first one is by Maybelline. So they sent this cute little pouch to me, and this is the Maybelline Sensational Liquid Matte and the Fit Me Minis. I really like this pouch, very cute pouch, and it kaam bhi aayega. And iske andar itne sare ये ट्यूब्स है ना. हाँ ये ट्यूब्स है. सो दिस इज़ फिट मी फाउंडेशन के. आई थिंक दीज आर लाइक क्या बोलते हैं सैम्पल साइज. सो दीज आर कूल. मैं एक्चुअली अपना फिट मी का शेड भूल गई हूँ. सो आई एम गोना ट्राई दिस एंड सी कि कौन सा काम करता है. एंड ऑल्सो दे हैव लाइक मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स. लेट मी सी स्ट्रिप इट ऑफ. मेरे पास एक्चुअली इनके एक दो शेड्स है. ओ इट कम्स विद अ प्रॉपर वॉन्ड एंड ऑल. वाह दैट इज ओ वाह दिस शेड. Guys, I love this. Wow. Oh my god, I love this so much. Look at that. Wow. Thank you so much, Maybelline. I really like all of this, and I'm definitely gonna buy the full size of these shades because these shades are absolutely beautiful. Next, Mridul sent some PR. She sent me her new notebooks. These are by Simba Lifestyle, by the way. I personally like all of these notebooks. The design is so cute and very her and very very just out of the box. Like मुझे बहुत अच्छा लगा. This one is my favorite. It says my brain has too many tabs open, and oh my god this is so cute, and the notebook has a lot of pages. See, and yeah, I'm really happy ki isme na lines hai. I'm definitely gonna use this to ideate and write down all my ideas. This one says unlocking new levels. How cute is the design, you guys? Like she put in so much of effort and work and just personalized all of this. And this one says my new gossip partner, and this one has a phone. I absolutely love this. Congratulations, Mridul. You always like make the best and the cutest products. I'm super proud of her. I keep on telling her that I'm so proud of her because she's so young and she's just doing so amazing. Like it's so inspiring to see her achieve whatever she is doing besides just having a successful channel. मुझे उसके ये जो ventures है ये इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं. Like I think she is totally killing it. And yeah, please go support her. These notebooks are amazing. मैं इनका link डाल दूँगी. So don't forget to check that out. And congratulations, Mridul, once again. Okay, the next package is by a thrift store, and this thrift store is by one of you guys. So one of my long time subscribers, her name is Raima. So she started her own thrift store on Instagram. It's called Pretty chic.thrift, and she wanted to send me some things, and she sent me two things. So the first one is this. So this is what it looks like. It's a leopard top. Honestly, I like this so much because this gives me early 2000 vibes, and I know it's like kind of like lingerie, but this is in these days, right? Like you wear lingerie. I can style it with a jacket, with my paper bag jeans ke andar tuck karke. I just really liked it. I like animal print, and this looks super cute. Now the next is such a beautiful dress, you guys, and when I saw this I was like, yes, I want this. This is what the dress looks like. So ye I think chiffon ka bana hua hai, and it is basically a slip dress, and it just gives me like cottage core vibes. Do you know what I mean? Perfect for summer and perfect for a nice holiday, and also like for the beach. Wow, like isko aap beach pe pehno, this will look so cute. She washed everything and she sent it to me. So thank you so much, Raima. I'm so proud of you for starting your own business. Then I got this bracelet. So a lot of you have been asking me ki ye bracelet kahan se hai. So this Instagram store called Crayon Closet, I think that is what their store is called. Yeah, Crayon Closet. They send matching bracelets. या फिर आप ना इसको अराउंड द नेक भी पहन सकते हो एज अ चोकर. सो शी सेंड दिस एंड अनदर वन टू अदिति, एंड देन अदिति शिप्ड इट टू मी. सो बेसिकली दीज आर मैचिंग बेस्टी ब्रेसलेट्स, एंड शी वेयर्स हर्स एंड आई वेयर दिस वन. दिस इज वेरी क्यूट, यू गाइस. लाइक इट हैज अ पिंक एंड ब्लू एंड देन डेजीज, एंड इट्स जस्ट सो क्यूट. यू गाइस ऑल्सो रियली रियली लाइक्ड इट. आई एम ऑनेस्टली ट्राइंग टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड टुडे. I hope you guys enjoyed watching this lockdown day in my life. Today was a nice day, except for the disaster. And yeah, that's about it. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe before you leave, and I'll see you guys next time. Bye bye.